हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। यानी आज के इस टॉपिक में हम रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट बेसिकली ये एक पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स दिखा के पेशेंट से हम उस कार्ड्स के मुतल्लिक कुछ ना कुछ डिटेल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, और वो पेशेंट उस कार्ड को देख के हमें उस चीज़ के बारे में बताता है। हरमन रोशार्च के मुताबिक ये बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। ये 10 टाइप ऑफ कार्ड्स कुछ इंक ब्लॉट से बने होते हैं। इन कार्ड्स की जो तादाद है वो बेसिकली 10 तादाद है। मतलब ये 10 टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं। इन 10 टाइप्स ऑफ कार्ड्स में जो पहले वाले 5 कार्ड्स हैं वो ब्लैक इंक के बने होते हैं। उसके बाद जो दूसरे 2 कार्ड्स हैं वो रेड प्लस ब्लैक इंक के बने होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्ड्स हैं वो मल्टी कलर्ड के बने होते हैं। हरमन रोशार्च के मुताबिक एक साइकोलॉजिस्ट इन कार्ड्स को किसी भी पेशेंट को एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी एक ऑर्डर से, 1 by 1 इन कार्ड्स को दिखाता है। और इन कार्ड्स को दिखाने का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट या 30 सेकंड भी हो सकता है। हरमन रोशार्च का मानना है कि हमारी जो पर्सनैलिटी में कुछ छुपे हुए क्यूज होते हैं, यानी हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ऐसे राज होते हैं, उन राज को उजागर करने के लिए हमें जो है इन इंक ब्लॉट्स को यूज करना होता है। क्योंकि जिस तरह से इन इंक ब्लॉट में एक हकीकत, एक पिक्चर छुपी होती है, हमारी पर्सनैलिटी भी इसी तरह हमारे माइंड के अंदर कहीं ना कहीं घूम रही होती है कि हम चीज़ों के बारे में किस तरह से फील करते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट 1 by 1 इन कार्ड्स को उस पेशेंट को दिखाता है। अब इसका जो तरीका है, या तो वो एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड उस कार्ड को दिखा सकता है, उसको उल्टा करके भी दिखा सकता है, सीधा करके भी दिखा सकता है, लेफ्ट राइट घुमा कर भी दिखा सकता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट उस पेशेंट के तमाम रिकॉर्ड, यानी तमाम उसके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करता है और उन रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करता है और उसका स्कोर करता है। अब ये जो स्कोर है एक सीरीज टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू करता है। उस डेटे की समरी बनाता है और उस डेटे को, यानी उस टेस्ट की उस समरी को जो है इंटरप्रेटेड करता है, और उसकी वो इंटरप्रेटेशन एम्पिरिकल डेटे के मुताबिक करता है, और उसका जो स्कोर आता है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में गिरता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप उस पेशेंट को कोई एक कार्ड दिखाएं और वो कोई रिस्पॉन्स ना करे। तो अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसके माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक छिड़ा है, उसने कोई ऐसी इस कार्ड से मुतल्लिक चीज़ देखी है जिसको वो डिस्कस करना ही नहीं चाहता। और वही हमारा बेसिक पॉइंट है उसकी उस पर्सनैलिटी को उजागर करने में। इन कार्ड्स की रियलिटी को जानने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन एक एक कार्ड को, हरमन रोशार्च यानी इंक ब्लॉट टेस्ट के एक एक कार्ड को हम बकायदा फुल डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है, इसमें ये जो कार्ड है किन किन पर्सनैलिटी को उजागर करता है, किस किस पर्सनैलिटी के बारे में हमें डिटेल से बताता है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।